बच्चों, हम ऑप्टिक्स का जो पिछला वीडियो था उसमें हम दो प्लेन मिरर लिए थे और प्लेन मिरर से कितना नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम निकाले थे। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है दो पैरेलल प्लेन मिरर है और पैरेलल रखोगे तो उससे कितना बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनता है। और कैसे बनता है उसको हम फिगर भी बना के आपको समझाए थे। तो आज हम क्या है कि वही हमारा प्लेन मिरर ही है। अब उसमें हम पैरेलल रखे थे ना, अब दो प्लेन मिरर को इंक्लाइंड करके रखेंगे, कुछ एंगल पे रखेंगे। तो इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम फिर इसे ट्रिक भी हम डेवलप कर लेंगे। तो पहले ऑड इवन का जो चक्कर होता है उस चक्कर को हम भूल सकते हैं। तो ऑड इवन वाला जो है हम जानते हैं, उसको बाद में बता देंगे कि जब ऑड होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इवन होगा तब नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, फ्रैक्शन में होगा तब कितना होगा, उन सारे चीजों को हम नहीं पढ़ेंगे अभी, लास्ट में बता देंगे उसको। लेकिन अभी समझिए कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आखिरकार यह कॉन्सेप्ट आप देखो कि जब प्लेन मिरर है और इंक्लाइन पे रखा हुआ है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनना चालू हो जाता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है और वही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एग्जाम में थोड़े फिगर बना के देखोगे कि कॉन्सेप्ट मालूम है, उस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए और फटाफट आंसर कर लीजिए। तो आपको देखो क्या है कि मान लो बच्चों कि हमारा दो प्लेन मिरर है, इस तरह से दो प्लेन मिरर है, इसको मानिए M1 और इसको मान लो बच्चों M2। क्या है M2, इसके बीच का एंगल या हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसको अल्फा मानो और इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा आप कुछ भी एंगल मान सकते हो, आपको ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है मास्टर माना है अल्फा और बीटा तो हम भी मानेंगे अल्फा और बीटा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब क्या है कि इस पे कैसे लगाते हैं लॉजिक, ध्यान से देखो। हमेशा क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, कॉन्सेप्ट वो कैसे लगाते हैं देख। यहाँ पे मान लो कि यह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जैसा रूल है, तो यहाँ पे M1 है हमारा और यह है M2 मान लेते हैं। M1 और M2 क्या है, मीटर है ना, M1 और M2 मीटर है। तो एक बात बताओ कि यह M1 अल्फा एंगल मान लो और यह हमारा बीटा एंगल है मान। जब दोनों एंगल जो है एक क्या है, दोनों एंगल का सम जैसे अल्फा प्लस बीटा होगा। चलो अब मान लो कि इससे अल्फा और यह अल्फा प्लस बीटा है उसको ऐड करके लिखो तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। अरे होगा कि नहीं, यह कैसे हुआ, यह अल्फा और यह अल्फा प्लस बीटा, यहां पे देख यह अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस बीटा, लिखेंगे कि नहीं, तो इसीलिए 2 अल्फा। अब क्या करो, फिर इधर से देखो यह बीटा को क्या करो, इसमें ऐड करो, तो यह अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या लिखोगे, अल्फा प्लस 2 बीटा, जैसे वहां आया अल्फा तो क्या लिखोगे, यहां बता दो बच्चों 2 बीटा प्लस अल्फा, इस तरह से फिर आगे बढ़ो, फिर आगे, और यह अभी भी एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा ही है। अब क्या करो, फिर इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ, तो यह 2 अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 बीटा प्लस अल्फा है और इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, तो यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ देख 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो क्या होगा, 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। अरे होगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3 बीटा प्लस 2 अल्फा। यहाँ पे देख तो यहाँ 2 अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आएगा कि नहीं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब कहोगे कि ऐसा कब तक करते रहे, ऐसा बच्चों तब तक किया जाता है जब तक कि एंगल जो है वह एंगल जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल 180 डिग्री ना हो जाए। 180 डिग्री पर क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ऐसा करना क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। यह ऐसा तब तक एडिंग करते रहते हैं जब तक कि एंगल जो है यह एंगल यह ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए 180 डिग्री के बराबर, तब क्या करोगे, रुक जाओ, रोकना पड़ेगा और काउंट कर लो कि कितना हमारा नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा, नंबर ऑफ इमेज
कितना बनेगा। उसके बाद एक ओवरलैपिंग का भी कंडीशन आता है, तो ओवरलैपिंग का कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही यह ग्रेटर इक्वल आ गया तो वहां पे रुको, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट उसके ऊपर वाले तीनों एंगल कहने का मतलब है दिस और दिस, यह दिस और दिस एंगल को ऐड करो। यदि बच्चों 360 का इक्वल हो जाता है, 360 डिग्री इक्वल के बराबर हो गया तीनों का सम, तो यहाँ पे इमेज जो है वो ओवरलैप कर जाएगा, क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसको हम जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं स्टडी क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो एग्जांपल लेते हैं, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना, चलो एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज बच्चों ऐसा है कि एंगल, हम यह एंगल कितना है 80 डिग्री मान लेते हैं और यह 40 डिग्री पे है, और यह भी, यह जो अल्फा बीटा है वो 40 40, और टोटल एंगल कितना होगा 40 40 80। चलो अब ऐड करो, यहाँ पे मानो कि वन एंगल वन इमेज और इसका दूसरा इमेज, ऐसा लिखते जाओ, यह फर्स्ट इमेज बनेगा और यह सेकेंड इमेज बनेगा, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 120, यहाँ भी ऐड कीजिएगा 120। अभी नहीं हुआ है, अभी तो क्या है 180 से छोटा ही है ना, आगे बढ़ो फिर, या अभी भी 80 डिग्री होगा, तो अब 180 मतलब 120 और 80 ऐड करोगे तो 200 के बराबर हो जाएगा, या भी 200 के बराबर। बच्चों यह वर्ल्ड टू, तो यह थ्री इमेज और यह फोर्थ इमेज, यह टू और यह तो ग्रेटर हो गया ना 180 डिग्री के बराबर, और यह भी ग्रेटर हो गया 180 से, तो यहाँ पे इमेज, अब रुको इमेज आगे बढ़ना रुक जाओ, अब नहीं यह हमें काउंट नहीं होगा, इमेज है ही नहीं। अब बता कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ इमेज जो है, नंबर ऑफ इमेज वो कितना होगा 4। अब कहोगे कि 4 होगा कि नहीं, इसको भी काउंट कर लो, तो यहाँ पे ऐड करके देखो तो 120 और 120 कितना बनेगा 240, और 240 में 80 ऐड करोगे तो कितना होगा 240 प्लस 80 तो कितना होगा 320। अभी तो क्या है 360 हो तभी तो ओवरलैप होगा, तो बच्चों हम मानेंगे कि नंबर ऑफ इमेज कितना है 4th बनेगा, जब एंगल 40 40 हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 4 बनेगा ना, नंबर ऑफ इमेज हमारा 4 बनने वाला है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखिए। अब क्या है कि हम इमेज जो है वो ऐसा लेते हैं, मान लो बच्चों कि यहाँ पे एंगल कितना है हमारा, ये 20 डिग्री मान लो, और ये हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री है, और दोनों का बीच का गैप कितना है 30 डिग्री का एंगल है, मतलब एक मिरर कितने पे है ऐसे रखा हुआ है, यह 10 डिग्री पे मान लो तो यह 20 डिग्री पे मान लो ना, ऐसा है, तो नंबर ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर ऐड कीजिए कितना होगा, यह 20 और ये 30 50, और यह 10 मतलब 40, तो यह क्या होगा 3 नंबर और ये 4th नंबर। अब ऐड करते जाइए और यहाँ पे क्या होगा, अभी भी 30 ही होगा, यह 40 और 30 कितना होगा 70, और यह कितना होगा 80, अभी भी ऐड करते जाइए, यह 5th नंबर आएगा और ये 6th नंबर आएगा, ऐड करते जाओ जब तक कि 180 के बराबर और ग्रेटर ना हो जाए। 180 डिग्री और 30 डिग्री कितना होगा 110 डिग्री, और यह कितना होगा 100 डिग्री। अब भी ऐड करते जाइए, मतलब अभी भी क्या होगा बच्चों, ऐड करो यहाँ भी, देखना आगे बढ़ो तो क्या होगा, मतलब इस तरह से अभी यह कितना है 100 और 110, तो इसको 5 6, तो यह 7 एंगल मतलब इमेज, और 8 इमेज। अब यह कितना है 30 है, तो 130, और यह कितना हो जाएगा बताओ, तो मतलब 30 तो 140 डिग्री। अभी भी नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाइए, तो क्या लिखोगे, यह हमारा 30 है तो अब कितना हो जाएगा 170, और यह कितना हो जाएगा 170, और यह कितना है 160।
ना अभी भी नहीं रुकना है, 11 और 1 या 12 और अभी भी नहीं रुको, तो यह 30, तो यह कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यह कितना हो जाएगा 200 डिग्री। अब रुकना है, यह ग्रेटर हो गया और यह इक्वल हो गया, यह कोई इमेज नहीं काउंट होगा, नहीं होगा काउंट। अब क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा बच्चों, नंबर ऑफ इमेज वो कितना बनेगा, 12 बनेगा, कितना होगा 12। अब कहोगे कि 12 सही बात है, तो ऐड करके देख लीजिए ना, 160 और 30, 190 और 190 में 170 ऐड कीजिएगा, तो 360 से कम ही होगा, तो हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो ओवरलैपिंग हो। एग्जांपल कैसा लेते हैं, ओवरलैपिंग का। तो देखो, तो हम अब ऐसा मानो बच्चों, दोनों इमेज जो है वो 45 डिग्री पे है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 45 डिग्री पे रखा होगा, ऐसा लो। अब ऐसा मान लो कि यह 90 डिग्री पे है, मतलब इस तरह से अब मिरर रखा हुआ है 90 डिग्री पर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 45 पे, और ये भी 45, यह M1 है, यह और M2 है, यह भी 45, यह भी 45, यह वन इमेज दूसरा इमेज ऐड कीजिए तो कितना होगा, ऐड करो तो 90 और 40 कितना बनेगा, सही रहो, मतलब 135, या भी 135, सही तो है, 135 और 135 बनेगा ना। उसके बाद कितना होगा, फिर 90 ऐड करो ना, इसमें 90 ऐड करोगे तो कितना होगा, बोलो, 90 जब ऐड करोगे 135 में, 90 ऐड करोगे तो कितना होगा, 225, और ये भी 225, तो अब तो यह क्या होगा, 112, मतलब ग्रेटर हो गया 180 डिग्री से, यह भी ग्रेटर हो गया 180 डिग्री से, तो यह सब इमेज में कॉन्सिडर नहीं होगा, थर्ड और एक फोर्थ। अब इन तीनों को ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे तीनों को तो क्या होने वाला है, वह 360 के बराबर हो जाएगा ना। ऐड करोगे 135 प्लस का 90 प्लस का 135 ऐड होगा, तो यहाँ पे इमेज जो है वह ओवरलैपिंग करेगा, हियर इमेज इज ओवरलैपिंग ना, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना होगा, बोलो तो, हमारा फोर्थ बना तो एक ओवरलैप हो जाएगा, तो 3 बनेगा, इस तरह से 3 बनने वाला है। दैट्स इट बच्चों, इस वीडियो को फिर से देखिए, और सारे इसमें क्वेश्चंस हो सकती है।